70-year-old Roshan Lal, a Kashmiri Pandit who was shot at thrice when terrorism started in Kashmir, returned home after 29 years. He had left the valley in 1990. After establishing himself as a successful businessman in Delhi, Roshan said he decided to come back as he was longing for his ancestral place. Roshan has set up a dry fruit shop in Zaina Kadal area of Srinagar's downtown. Roshan says every Kashmiri Muslim should not be seen as a terrorist and media should stop portraying them in a bad picture. 1990 13 October ko mere sath hadsa pesh aaya. Mujhe ek ladka aaya, usne mere pet mein 3 goliyan mari aur ek goli wo mere head ko sar ko koshish kar raha tha marne jo mere kandhe mein lagi. Uske baad mujhe Kashmir chhod ke jana pada majbooran. और मैं दिल्ली में सेटल हो गया. दिल्ली में मैं वहाँ काम करता हूँ. अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बरकत करी है. फाइनेंशियली आई एम वेरी साउंड देयर. मेरा वहाँ दिल्ली में नाम है, अच्छा नाम है. कश्मीर आने की मेरी वजह यह है कि मेरे को अंदर दिल में दर्द था. मुझे हर वक्त याद आती थी अपने वतन की, अपने भाईचारे की, अपने प्यार मोहब्बत की. तो वो दर्द मुझे आज उभर कर कश्मीर वापस लाया है. कितने सालों के बाद कश्मीर आ गए? 29 सालों के बाद. तो कैसा लग रहा है? देखिए मैं आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस बट आई कैन वन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कश्मीर इज देयर, कश्मीर इज आर डिफरेंट. इन्होंने मुझे कल हीरोज वेलकम दिया, मेरी दस्तारबंदी की, मेरे बारे में मकाले पढ़े, फूलों की मालाएँ डाली, बादाम और शिरनी मेरे पर डाली, फूल मेरे पर डाले और मेरे को इतना प्यार दिया जितने मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिला. सर पंडित बरादरी क्या मैसेज है? उनको दोबारा सोचना चाहिए पंडित बरादरी को. एवरी कश्मीरी इज़ नॉट ए मिलिटेंट. प्लीज़ मैं उनको वेरी सीरियसली बात करता हूँ. उनको पीपल लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए. जिनके जिस मोहल्ले में रहते थे उन लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए. उनको देखना चाहिए क्या सारे मुसलमान ख़राब है. अगर 99 ख़राब नहीं है, एक ख़राब है, तो 199 कैसे हावी हो जाएगा? प्लीज़ दोबारा सोचिए. और मैं आपको ये बताता हूँ, चैनल को बताता हूँ कि जितने भी कश्मीरी हैं वो तड़प रहे हैं घर वापसी के लिए, पर उनके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है. उनके लिए हालात ऐसे नहीं बन रहे. हालात मीन्स कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है. अब अगर करना है तो लोगों ने आपस में करना है. ये भाईचारा दुनिया में यूनिक है. मेहरबानी करके अपनी दुकानदारी मत करिए. अपनी आपकी पीठ जो टी क्या टी पी बोलते हैं अपनी बढ़ाने टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना गलत मत बयान कीजिए. एवरी कश्मीरी एंड मुस्लिम, कश्मीरी हिंदू एंड मुस्लिम जबान हमारी रगों में एक खून है. हाँ, जो ये खला पैदा हो गया उसके लिए हल निकालिए. कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट का काम यह है, पुलिस का काम है, बुज़ुर्गों का काम है, दोनों जगह को बिठाना. ये दुकान हमारे अपनी थी, इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और इसको अब इंशाल्लाह चालू किया और इसको चालू रहेगा, हमेशा रहेगा चालू. जितनी देर तक मैं हूँ मेरे बच्चे आगे क्या करेंगे, जब तक मैं हूँ चालू. तो जब वो आगे आपके रिलेटिव से क्या बोलूँ आप आएंगे? आई डोंट नो अबाउट देम. आई नो कि एवरीबॉडी इज इन ट्रबल देयर. क्यों? वो ये ट्रबल केयर ऑफ जो अंदर की हमको मादरे वतन का दर्द है. प्लीज़ आ जाइए, कुछ नहीं है यहाँ. देयर इज नथिंग बैड. इक्का दुक्का वाकत होते हैं, बाकी यहाँ कुछ नहीं है. कि कश्मीर बट क्या वो वट वॉज कश्मीरी पंडित, क्या वो क्रूएल था या अच्छा था? उनको बताइए. उनको जो लीडर साहिबान है उन्होंने उनको गलत मैसेज दिया होगा कि ये वॉज बट जलिम होस योस. ऐसा कुछ नहीं है. बुजुर्गों को आगे आना चाहिए, पेश आना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए और उनको रियलिटी बतानी चाहिए. मैंने कल फेसबुक पर देखा था इनका कि इन्होंने दुकान खोली इधर पर. तो उसके बाद इसके बेटे जो डॉक्टर संदीप मावा साहब हैं, मैं उनको भी फॉलो करता हूँ फेसबुक पर. तो मेरी नाइट ड्यूटी थी तो मैं डायरेक्टली मॉर्निंग में मेरी फीलिंग्स नहीं रही तो मैंने बोला डायरेक्टली मैं आऊँ तो मैं इनसे मिलूँ. तो जब मैं दुकान में आया तो मैंने जो बातें नहीं की, मैंने डायरेक्टली इसको हक कर दिया बिकॉज इट वॉज इन दर फीलिंग. मेरे बाड़ी ने मुझे बोला कि नहीं बातें ज़्यादा ना करनी है. मैंने टाइटली हग्ड मैन वेलकम, दैट वाज माय वेलकम. तो बेशुबाक चीज़ इट इज़ द वी मिस दीज पीपल. जैसे जब हम इंग्लिश पढ़ते थे उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता था, तो इसमें ये दिस इज़ द मिसिंग लिंक. ये सारी मिसिंग लिंक्स पूरी हो रही तो फिर कश्मीरियत हो जाएगी. वी आर फर्स्ट कश्मीरीज, चाहे कोई भी हमारे एक कल्चर है, डिफरेंट कल्चर. जैसे अभी मावा साहब जो सीनियर मावा साहब है उनने बोला कि जब बाहर आदमी होता है तो उसकी इज्जत पैसे से होती है, लेकिन कश्मीर में जब आदमी बड़े उम्र में उम्र रसीद होता है तो उसकी ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है.
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कश्मीर एंड आउटसाइड वर्ल्ड, और दैट इज़ वाई हम यहाँ आए, जो हमारा जो प्यार था, मुझे लगा कि जो मेरी एक अपनी को अपनी एक जो मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं ड्यूटी दे के आया, नाइट ड्यूटी दे के, मैंने बोला नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गो टू कम हेयर, और इसको मावा साहब को हक करेंगे, इनको विश करेंगे, इनको एनकरेज करेंगे, इसी तरह से सब वापस आए। मेरे प्रोफेसर साहब थे वी के मोजा साहब, जिन्हें मुझे पढ़ाया था, एंड ही वॉज ऑलवेज ट्रीटिंग मी एज अ सन, और सोच में बना हमेश के समीर चावत था मे वो नाव जिंद, पता नहीं उसको मुझे क्या लगता था, और मुझे वही फीलिंग आज भी है कि उसी आई मिस के वो कब वापस आएँ, वो भी इसी तरह आएँ और अपने कश्मीर में रहें, सब इसी तरह आएँ, ये इन्हीं का घर है, जैसे हमारा घर है, जितना हमारा है उससे ज़्यादा इनका भी है।